हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, एरिकपीडी क्या है? एरिकपीडी आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिकपीडी के बारे में। आप सभी ने निबोश में या फिर सेफ्टी के अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो तो एरिकपीडी के बारे में तो दोस्तों सुना ही होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी एरिकपीडी के बारे में जिसे एलिमिनेट, रिड्यूस, आइसोलेट, कंट्रोल, पीपी एंड डिसिप्लिन बोला जाता है। तो क्या है एरिकपीडी, कहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, एरिकपीडी अगर हम बोलेंगे तो कहीं पे भी, किसी भी कंपनी में, ध्यान से सुना दोस्तों, किसी भी कंपनी में या किसी भी वर्क साइट पे जब आप ऐसे सेफ्टी एडवाइज़र या सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम करते हो तो जब भी कोई हजार्ड और रिस्क कंट्रोल जब भी आपको करना पड़ता है तो उसके लिए एक प्रोसीजर या फिर हम कह सकते हैं कि एक पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है, और वो जो पैटर्न है वो है एरिकपीडी। तो एरिकपीडी के इस पैटर्न से हम अपने हजार्ड को और रिस्क कंट्रोल को बहुत बहुत एफिशिएंट वे में हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि हम कैसे करेंगे ये, तो हम इस स्टेप्स को देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। तो फर्स्ट जो होता है वो एलिमिनेट, उस हजार्ड या उस रिस्क को आप पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दो। दूसरा जो होता है रिड्यूस, किस तरीके से आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। तीसरा जो होता है आइसोलेट, किस तरीके से उस हजार्ड को और रिस्क को जो दोस्तों आप आइसोलेट कर सकते हो। इसी तरीके से फिर आता है कंट्रोल, किस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज़ करके उस हजार्ड या रिस्क को कंट्रोल में कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है पीपी, जो है लास्ट डिफेंस, तो उसमें पीपी यूज़ करके किस तरीके से आप उस हजार्ड को, रिस्क कंट्रोल को ख़त्म कर सकते हो। और लास्ट फाइनली डिसिप्लिन, क्या है डिसिप्लिन? बहुत सेट ऑफ एनफोर्समेंट लॉस ये सब लगा के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारे स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जांपल, एक सिचुएशन में आपको बताऊँगा, रियल टाइम सिचुएशन जहाँ पे आपको बस उस सिचुएशन को आपको गेस कर लेना है और आपको ये एरिकपीडी जो स्टेप्स है स्टेप बाई स्टेप आपको उस सिचुएशन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मान लीजिए आप एक सेफ्टी एडवाइज़र के रोल में काम कर रहे हो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे कुछ भी लेट अस से एक टॉयस लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप टॉय बना रहे हो, बच्चों के खेलने के छोटे टॉयस बनाते हो उस कंपनी में। तो वहाँ पे एक लेथ या एक मशीन है, मशीनरी काम करती है, तो उस मशीनरी के अंदर रोलर होता है। रोलर एक पार्ट, यू कैन से इट इज़ ए पार्ट, एक रोटेटिंग पार्ट बोल सकते हो उस मशीन का, अगर काम करता है तो वहाँ पे क्या हजार्ड रिस्क आपके सामने आएगा? तो वहाँ पे जो मेनली जो होता है वो रिस्क आ सकता है, जैसे लोग जब आपके वर्क फोर्स वहाँ पे काम करते हो तो उनके हाथ उस रोलर के अंदर फंसने का या उससे कुछ इंजरी या एक्सीडेंट्स होने का चांस बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से दूसरे वहाँ पे केमिकल्स यूज़ हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग टॉयज़ के ऊपर जो कलर कोटिंग पेंटिंग दिया जाता है उसके लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो उसका एक्सपोजर, ऐसे बहुत बहुत से हजार्स और रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको हम कैसे, ऐसे सेफ्टी एडवाइज़र जब आप उस कंपनी में डिप्लॉय किए जाते हैं तो फर्स्ट जो होता है मैनेजमेंट आपसे पूछती है कि भाई आप अपना प्लान बताओ, यहाँ पे क्या क्या हजार और क्या क्या रिस्क है वो आप कैलकुलेट करके कंपनी को आपको रिपोर्ट या प्लान देना पड़ता है। तो उसके लिए ये जो प्रोसीजर है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में एरिकपीडी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है एलिमिनेशन। तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप उस मशीन को या उस पुराने रोलर को एलिमिनेट करके कुछ नए टेक्नोलॉजी को कंपनी में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे कि जिसमें बहुत ज़्यादा गार्ड्स हो, रोलर्स पूरे एक्सपोज्ड नहीं हो, और उस तरीके से आप अपने वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन हर सिचुएशन में एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने इतना पैसा उस मशीन पे लगाया हुआ है तो एलिमिनेशन करना हमेशा तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा स्टेप आता है उसके बाद में रिड्यूस। रिड्यूस के बारे में हम बोलेंगे तो किस तरीके से आप उस मशीन के जो केमिकल जो होते हैं, जैसे मैंने कहा केमिकल एक्सपोजर होने का भी चांस है, तो केमिकल्स को कैसे, किस तरीके से आप उसके क्वांटिटी को बदल सकते हो, किस तरीके से आप अपने मैन फोर्स को एक्सपीरियंस्ड बना सकते हो, ट्रेनिंग बहुत कॉम्पिटिटेंट ट्रेनिंग देकर उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हो। कॉम्पिटिटेंट ट्रेनिंग बोलेंगे तो जहाँ पर 20
लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वही 20 लोगों की जगह हम उस मशीन पर 10 लोगों को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये जो 10 लोग होते हैं वो 10 लोग एक्सपीरियंस्ड, वेल ट्रेंड, कॉम्पिटिटिव होंगे, वो उस मशीन पर काम करेंगे, जिससे आप रिस्क को रिड्यूस कर रहे हो। तीसरा जो होता है दोस्तों, आइसोलेट, किस तरीके से आप आइसोलेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आइसोलेट करने का सबसे बड़ा तरीका, उस मशीन को अगर वो मशीन ओपन स्पेस में है तो उसे आइसोलेट कीजिए, उसे एक सेपरेट रूम में रखिए और वहाँ पे बस ऑथराइज्ड लोगों को आप एंट्री दीजिए। तो वहाँ पे भी आप उसे उस हज़ार्ड को या रिस्क को कंट्रोल कर रहे हो। उसके बाद आता है कंट्रोल जो होता है नेक्स्ट ऑप्शन। कंट्रोल में क्या होता है? कंट्रोल में दोस्तों हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मेथड्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स के बारे में अगर हम बोलेंगे तो आप जॉब रोटेशन दे सकते हो, उसी तरीके से लाइटनिंग, अच्छी तरीके से बहुत लाइटनिंग दे सकते हो, ऐसे मेथड्स जिससे जो जो मैन पावर को या आपके वर्क फोर्स को या आपके लेबर्स को हेल्प करेगी, तो वो मेथड्स आते हैं कंट्रोल के अंतर्गत। जैसे जॉब रोटेशन दीजिए, तो 24 आवर्स की ड्यूटी को आप स्प्लिट कीजिए, 8 आवर्स की ड्यूटी में बांटिए, तो उससे क्या होता है, बंदा जो होता है काम करता है मशीन पे वो एक्टिव रहता है, तो उससे जो एक्सीडेंट्स और जो भी होते हैं वो आप कम कर सकते हो। इसी तरीके से उसके बाद आता है दोस्तों पीपी, द लास्ट डिफेंस, यस पीपी, ग्लव्स, गोगल्स, हेलमेट, शूज, ये सब आप देख के, रेस्पिरेटर्स, ये सब देख के, लोकल वेंटिलेशन, ये सब देख के आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइनली द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है कि आपको मॉनिटर करना पड़ता है वहाँ की सिचुएशन को, उसी तरीके से आपको लॉस इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एनफोर्समेंट, आपको वो लॉस एनफोर्स करना पड़ता है, आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपके जो लेबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आपने जो भी इम्प्लीमेंट किया है उसी पे स्टिक होकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है ERICPD के डिफरेंट स्टेप्स, जो आप कहीं पे भी, ये जैसे कि मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, कहीं पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसका यूज़ जो होता है बस ये हज़ार्ड और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। तब तक के लिए धन्यवाद।